अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पूर्व सीपीएस राजेश धर्मानी ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग के घुमारवीं मंडल में सरकारी नियमों को दरकिनार कर पूरी व्यवस्था तहस नहस करने के आरोप लगाए हैं। सरकारी मशीनरी खड़ी रखकर राजनीतिक आंकड़ों के इशारे पर कुछ चहेते जेसीबी मालिकों को लाभ पहुंचाए जाने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े कार्यों के टेंडर तोड़कर ऊंची दरों पर सरकारी पैसे को लुटाया जा रहा है। सांसद निधि के तहत कार्यों को राजनीतिक आंकड़ों के इशारे पर रोका जा रहा है। कई कार्य विभाग द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं करवाए जा रहे हैं तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण अधीन सड़कें बार बार उखड़ रही हैं। राजेश धर्मानी ने कहा कि नाबार्ड से स्वीकृत दो सड़कों के टेंडर कांग्रेस सरकार के समय हो गए थे, लेकिन इनका काम आज तक शुरू नहीं करवाया गया है। जबकि मोहड़ा सुनाली माकड़ गाड़ियां सड़क के लिए 3.58 करोड़ और दधोल डोहरू पट्टा दुखियुत सड़क के लिए 4.72 करोड़ स्वीकृत होने व टेंडर होने के बावजूद काम आज तक शुरू नहीं किया गया है, ताकि चुनाव के समय में भाजपा द्वारा फैलाए गए झूठ को सही ठहराया जा सके। धर्मानी ने कहा कि चुनावों में भाजपा ने इन स्वीकृतियों को चुनावी स्टंट करार दिया था तथा इन सड़कों के निर्माण कार्य को रोकने के लिए मनगढ़ंत बहाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन भूमि में सड़क निर्माण को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। विभाग ये बताए कि जिन 3 सड़कों का मंत्री ने उद्घाटन किया था, ये सभी वन भूमि बिना अनुमति के बनाई गई हैं, लेकिन तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के उपरांत ही नाबार्ड से स्वीकृत 2 सड़कें जिनका उन्होंने जिक्र किया था, वे बेबजार रोकी जा रही हैं। पूर्व सीपीएस राजेश धर्मानी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण 1 महीने के अंदर शुरू करवाए, नहीं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घुमारवीं मंडल में इस टाइम पूरा जो सरकार का बनाए नियम है उनकी पूरी अनदेखी हो रही है, और जितने काम कराए रहे हैं उसमें सड़कों की पूरी तरह जो है उखड़ चुकी हैं। बड़े टेंडर जो है उनको सप्लीट कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी खड़ी है, सरकारी जेसीबी जो है वो खड़ी हैं, और प्राइवेट जो सत्ताधारी नेता हैं उनके चहेते ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए उनकी मशीनें जो हैं वो हायर की हुई हैं, और जहां स्लिप नहीं भी हैं उनको भी जो है वैसा शो कर रहे हैं, और करोड़ों रुपए जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। बड़ी ऊंची दरों के ऊपर जो है वो टेंडर दिए जा रहे हैं, और बड़ा गोलमाल जो है इसमें हो रहा है। और दूसरा, जहां विधायक साहब ने अपने फट्टे लगाने थे जो मंत्री बन चुके हैं, वहाँ पर तो वन विभाग की भूमि में फटाफट जो है उसको आनंद फारन में लीपा पोती करके जो है, हालांकि वो सड़कें उखड़ना भी शुरू होगी साथ साथ में, वहाँ पे तो बिना वन विभाग की अनुमति के सड़क बन गई, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारी 2 सड़कें ऐसी हैं जो नाबार्ड से स्वीकृत हैं, और नाबार्ड से स्वीकृति जो है वो सड़कों की तभी मिलती है जब पूरी औपचारिकताएँ होती हैं। लेकिन इन दोनों सड़कों को, जिसमें एक मोहड़ा सुनाली माकड़ा गाड़ियां हैं जिसके लिए 3.58 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं, और दूसरी दधोल डोरहू मरियाणी पट्टा डंगार सड़क है जिसके लिए 4.72 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं, इन दोनों सड़कों को जो है वो वन विभाग की भूमि कह के जो है उनको रोका जा रहा है। मोहड़ा सुनाली सड़क पे 98% जो ज़मीन है वो निजी भूमि मालिकों ने जो है दान दे रखी है, और सड़क कच्ची निकली हुई है। उसी तरह से डोरू मरियाणी जो सड़क है इसका ट्रेस पहले से निकला है, कोई पेड़ नहीं कटना है, कुछ नहीं है, लेकिन जानबूझ के जो है इसको लटका रहे हैं। और उसी धार में छंदोव में जो सड़क का भी उद्घाटन किया, वो तो उसी उसकी जो डोरू मरियाणी की सड़क है उसके बिल्कुल साथ है, तो जब वो बिना अनुमति के बन सकती है, लेकिन जो नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सड़क है वो नहीं बन सकती। तो ये दोहरा जो मापदंड है वो मंत्री जी के इशारे पे जो है ये एक्शन घुमारवीं कर रहे हैं। हमने पहले भी इसके बारे में उनको जो है वहाँ एजिटेट किया था, लोगों ने भी अपना रोष प्रकट किया था, लेकिन अगर इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो
तो हम राजनीतिक तौर पे भी लड़ेंगे और कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे। धन्यवाद।